हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टॉक्स। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि बेड कैसे बनने वाला है। ये पूरी बेडरूम सीरीज है, एक एक करके मैं इसके सारे ऑब्जेक्ट्स बताऊंगी कैसे बनाना है। तो शुरू करते हैं। ये फोर व्यूज से तो मुझे दिख ही रहा है, ये मेरा बेडरूम का एरिया है टॉप व्यू से। तो अभी मैं यहाँ पे बॉक्स ले लेती हूँ और बनाने से पहले इसकी यूनिट्स देख लेना। यूनिट्स का सही होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ऑल्ट क्यू भी कर सकती हूँ, तो सिर्फ वही हाईलाइट हो जाएगा। जब मैं ऑफ करूँगी ना ऑल्ट क्यू आइसोलेशन मोड इधर, तो ये वहीं पे आएगा। इसको अभी तो ऑन कर लेती हूँ। लेंथ विड्थ दे दी, थोड़ी और सेट करनी है तो कर सकते हो। फिर सेगमेंट्स दे दो, किसी भी क्लॉथ के ऑब्जेक्ट में सेगमेंट ज़रूरी होता है। अब इसी को मैं ऊपर कॉपी कर लेती हूँ। मैट्रेस के लिए इसको ज़रा सा स्केल कर देती हूँ अंदर के साइड ये। फिर अभी इसमें क्या करूँगी, मैं क्लॉथ लगा दूँगी। थर्टी ज़्यादा हो जाएगा, 20 ही रखती हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेविटी, उसको ऑफ कर दो। सिमुलेट लोकल डैम, वहीं पे वो सिमुलेट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो गया तो उसको थोड़ा सा मैनुअली स्केल भी कर सकते हो। सिमुलेशन ओवर हो जाएगा ना तो स्केप कर दो या इसी पे क्लिक कर दो तो वो ओवर हो जाएगा। इसको नीचे से थोड़ा नॉर्मल कर दूं मैं, क्योंकि मुझे ऊपर ही फूला हुआ चाहिए। तो FFD बॉक्स कंट्रोल पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स को सेलेक्ट करके मैं इसको ऐसे ऊपर मूव कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे वही ऊपर थोड़ा सा ऊपर वाला हेरी है थोड़ा उठा हुआ चाहिए, बाकी थोड़ा सा नॉर्मल चलेगा। ठीक है, ये मैट्रेस का एरिया हो गया। F4 प्रेस करके देखो, इसमें एजेस दिख रही हैं। अभी प्लेन बेडशीट बनाने के लिए इसको मैंने वापस से ऑफ कर दिया, मतलब इसमें ले लिया। और ये जो प्लेन रहेगा ना, इसको सेगमेंट दे दो। नया प्लेन ड्रॉ कर लो टॉप व्यू से और इसको सेगमेंट दे दो। फिर तीनों को सेलेक्ट करो। अभी आइसोलेशन मोड ऑफ कर दे, तीनों को सेलेक्ट करो। क्लॉथ में जाओ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, दोनों बॉक्स को सेलेक्ट करो, कोलिजन लो, प्लेन को सेलेक्ट करो, क्लॉथ क्वार्टर, ओके, ग्रेविटी ऑन, सिमुलेट लोकल डैम्प। जब लगे कि हो गया तो उसको ऑफ कर दो। अभी मैं इसमें एक और बेडशीट बनाऊंगी, थोड़ा सा छोटा बना। अभी ये तीनों को, चारों को सेलेक्ट कर लो। ये प्लेन का सेगमेंट ऑलरेडी इसमें आ गया है, तो प्लेन के सेगमेंट्स का ध्यान रखना। सेगमेंट बराबर नहीं होंगे तो क्लॉथ नहीं बनता। ये प्लेन का नाम दो है, नेम चेक करने के टाइम पे समझ में आएगा ना कि कौन सा प्लेन होना चाहिए। अभी तीनों कोलिजन होगा, देन ये क्लॉथ। अब यहाँ पे ऑफ कर दो। अभी मैं इसका थोड़ा सा हेडरेस्ट बना लेती हूँ। और बेडशीट में थिकनेस वगैरह चाहिए रहेगी तो शेल दे देना।
कन्वर्ट टू एट ए टेबल, कन्वर्ट टू एट ए टेबल पैच, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एट ए टेबल पैच। अब इसमें देखो इसके हैंडल है ना, कंट्रोल प्रेस करके इसके हैंडल सेलेक्ट कर लो और फिर इसको ऐसे बाहर ले लो, ठीक है। फिर इसको सेट करना रहेगा, ठीक है। अभी मैंने इसको कॉपी वगैरह करके एडजस्ट कर लिया है और अभी मैं इसमें मटेरियल्स लगा देती हूँ और पिलोज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मटेरियल्स कैसे लगाना है सब मैंने कई वीडियोस में बताया है, मटेरियल्स वीरे वीरे एमटीएल। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन राइट क्लिक असाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। अगर यहाँ पे सिर्फ कलर देना है तो हम लोग यहाँ डिफ्यूज से कलर दे सकते हैं। कोई पिक्चर लगानी है तो यहाँ पे जाके बिट मैप में कोई पिक लगा दी, ये लेती हूँ, अच्छा लग रहा है। शो शेड एंड मटेरियल व्यूपोर्ट तो इस स्क्रीन में भी दिखेगा। अभी इसके लिए मैं सिंपल व्हाइट कलर ही दे देती हूँ, ये भी अच्छा दिखेगा। ओके तो इसका जो पिलो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें एक लाइट लगा देती हूँ ऊपर से, उसका मटेरियल वगैरह का इफेक्ट तब अच्छा सा तब अच्छे से दिखेगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ये रही मेरे इंस्टाग्राम के आईडी, मुझे फॉलो कर सकते हो। तो जो भी डाउट रहेगा डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, हाय हेलो स्किप कर दो, जो डाउट रहे वही डीएम करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।